Hi friends, it's your friend and host, Prof. Zach, once again with another day of the virtual classroom from Easy Coaching. Good evening, dosto. Assalamu alaikum. I hope sab khairiyat se hain. Acha, aaj ki presentation jo hai, wo thodi si mukhtalif rahegi. Maine kuch arsa pehle kahin pe ek training ki thi, jahan pe is mauzu pe baat ki thi. और बड़ा दिलचस्प लेक्चर रहा था. आज अचानक शाम को ऐसा कुछ हुआ कि मुझसे रहा ना गया और मैंने सोचा कि इस पर फिर बात की जाए. बिकॉज यू सी, पिटा हुआ ढोल बेशक जितना मर्जी पीट लें, बाज़ दफ़ा अच्छी बात किसी के कान में पड़ जाए तो वेस्ट नहीं होता. हुआ यूं कि आई वेंट फॉर अ कैजुअल रन to the pharmacy, यानी कि ड्रग स्टोर. और वहाँ पे as I was coming back, मैंने एक बिजी इंटरसेक्शन रोड पे देखा कि हमारे एक हम वतन ने, एक फेलो सिटीजन ने, जिन्होंने मास्क पहना हुआ था. और ये एक और बड़ी ज़रूरी बात है कि कोरोना वायरस COVID-19 का एनवायरनमेंट प्रेवलेंट है, तो इसलिए भी ये प्रेजेंटेशन देना जो है ना ज़रूरी मैंने समझा. तो वो गुजरते हुए उन्होंने अपनी सवारी रोकी, मास्क हटाया और अपने मुंह की बलगम जो है उसे डिस्पोज किया उस बिजी इंटरसेक्शन के दरमियान, यानी कि वाइल पीपल आर ट्रैवलिंग ऑन दैट रोड, जब लोग गुजर रहे हैं वहाँ से. तो मेरी एजुकेटेड गेस में ओपिनियन भी नहीं कहूंगा, व्हाट्स एन ओपिनियन आफ्टर ऑल, दैट डिफीट्स द पर्पस, डजंट इट. तो इसलिए फिर मैंने वहां पे जब एक दफा ये देखा और मैं थोड़ा सा और आगे गया तो एक दूसरे बिजी इंटरसेक्शन पे भी मैंने यही हरकत होते देखी. तो मैंने कहा कि यार प्रोफ जैक, अपने तालिब इल्मों से, स्टूडेंट से भी बात करो. और some people, you know, they're doing donations, they're doing charity, some people are spreading the good work. To tum apna contribution aise karo ki personality and social graces ke upar jo presentation tumne banayi hui hai uski baat logon tak pahunchao. So friends, Pakistanis, countrymen, lend me your ears. Aaj hum social grace ki baat karenge, so please pay me an ear. तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल ग्रेसेस की. ये माजरत, पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो है इसकी अहमियत क्या है? मेरी राय में बेशक जिंदगी में जो भी लेसन्स शेयर किए जाएं, ये वो इनफरादी स्टाइल है जिसकी कल्टीवेशन करनी होती है, जैसे फसल की कल्टीवेशन की जाती है. और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं. और आपके अंदर भी एक शमा, एक लौ, एक जज्बा होना चाहिए ग्रूम होने का. तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा कि ये हो जाए. तो सोशल ग्रेस जो है उसका मतलब ये ठहरा कि वो रूल्स, वो हल्के फुल्के से कवानीन, आम रोज़मर्रा की बिहेवियर, बर्ताव, हैबिट्स, हरकत और कस्टम्स, यानी कि रीत रिवाज और कल्चर, जो आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करें और आपसी ताल्लुकात को इंश्योर करें, ये तायुन करें कि ये स्मूथ रहें. अच्छे पर्सनैलिटी, शख्सियत के जो जुज हैं उसमें शामिल हैं एक डिसेंट और डिसिप्लिन्ड नज़रिया, यानी कि जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखते हैं. अपने रोज़मर्रा के बिहेवियर में आजजी का इस्तेमाल, बेदरेग.
दूसरों के लिए वाकई दिल से कंसर्न्ड होना, एक माइंड और बॉडी का पॉजिटिव रहना, एक जाहिरी अपील जो होती है कि जिससे लोग आपसे मुतासिर होते हैं, उसे अच्छा रखना, पुर मुतासिर रखना, और फिर ओवरऑल शख्सियत को पुर असर रखना, पॉजिटिव भी हो और खुश इखलाक भी हो। एक डिसिप्लिन आउटलुक, हमारे बहुत से टीचर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने यही सबक हमेशा दिया कि सबसे ज़रूरी बात अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के लिए कभी भी परेशानियां और मसले खड़े मत कीजिए, अपनी जो नफ्सियात है उसको कंट्रोल में रखें, गुस्से का इजहार करने से परहेज़ करना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये बड़ा मुश्किल होता है, बाज़ दफ़ा हालात ऐसे हो जाते हैं, वाकयात ऐसे हो जाते हैं, मगर ये सबक है, इस पर अमल करना चाहिए, मुझे भी सबको भी। रोज़मर्रा के ताल्लुकात में एक फ्रेंडली रिपोर्ट, एक खुश इखलाक मेल जोल रखना चाहिए। आजिज़ी जो है उसके क्या फ़वाइद हैं, उससे आपकी शख्सियत निखर कर सामने आएगी। आपके लिए दूसरों की इज्जत करना जो है वो मसला नहीं रहेगा, दिल से इज्जत निकलेगी लोगों के लिए, और फिर इससे एक अच्छे एहसास का जो जोश, वलवला और जज्बा जो है माहौल में, वो फैलेगा। अब दूसरों के लिए वाकई में ही हकीकत में परेशान होना, दूसरों के लिए कंसर्न होना, ये आपको क्या सिखाता है? ये आपको सिखाएगा दूसरों की इज्जत करना, दूसरों की फीलिंग्स जो हैं, दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाने से गुरेज करना। आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो अपने वालदैन को, अपने असातज़ा को, अपने टीचर्स को, अपने हम उम्रों को, अपने बड़ों को और अपने से छोटों को भी एहसान मंदी का जज्बा दिखाकर इस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं कि आप दूसरों के लिए कंसर्न डेवलप कर लें और दूसरों की तरफ हमेशा रहम दिली से पेश आए। कर्टियस ग्रीटिंग, खुश इखलाकी से मिलना। अब ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये जैपनीज बाओ है, यानी कि मिलने का तरीका है, इसमें इज्जत भी है दूसरे के लिए, इखलाक भी है, और ये उनका जो है कल्चर भी है। लेकिन हाथ नहीं मिलाया जा रहा नेसेसरीली, तो ये कोरोना के हवाले से हमें एक सबक दे रही है ये तस्वीर कि ग्रीटिंग कर्टियस होने के लिए हाथ मिलाना जो है वो कोई अहम जुज नहीं है। आप कर्टसी जो है वो वैसे भी दिल से निकलती है, तो एक कर्टियस सलाम जो है, मिलना जुलना, कर्टियस ग्रीटिंग जो है वो एक अच्छा एहसास जो है उसकी फीलिंग को जेनरेट करेगी। एक दूसरे के लिए इज्जत का जज्बा उजागर भी करेगी और दूसरों के लिए आपको इज्जत का जज्बा रखने पर उकसाएगी भी, और दूसरों को भी ये फील कराएगी कि आप उस कर्टियस ग्रीटिंग से उनकी इज्जत कर रहे हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छी शख्सियत की क्या अलामत हैं? हमारा ज़ाहरी हुलिया जो है उसे प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इसका हमारे सोशल स्टेटस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बस साफ़ सुथरा ज़ाहरी हुलिया होना चाहिए और फिर सफाई के ऊपर हमारा पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। वैसे भी हमारे मजहब का प्रचार है कि सफाई निस्फ ईमान है, मैं तो यहाँ तक भी कहता चलूँगा कि सफाई पूरे का पूरा ईमान है। वैसे भी आजकल कोरोना के माहौल में तमाम डॉक्टर्स, तमाम इदारे,
तमाम हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि साफ सुथरे रहें, हाथ धोएं वगैरह वगैरह। हमारा आपसी रवैया, आपसी बिहेवियर जो है वो पूरा असर होना चाहिए, पूरे अखलाक होना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए, उसमें दूसरों के केयर का जज्बा होना चाहिए। हम दूसरों के साथ जो ताल्लुकात बनाते हैं वो देरपा होने चाहिए, उनके अंदर भी इखलाक का जज्बा होना चाहिए और ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए जिन्हें हम निभा सकें। जब हम दूसरों के साथ गुफ्तगू करें तो हमारी गुफ्तगू में दूसरों के लिए इज्जत हो, हमारे गुफ्तगू के अंदर पोलाइटनेस का एक अंसर नज़र आना चाहिए। और कभी भी वो बात ना कीजिए जिसका आप नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ना रखते हो। हमेशा दूसरों से बात करें तो इन्फॉर्मेटिव बात कीजिए, अपने नॉलेज के ऊपर बेस करके। और मुस्कुराहट जो है वो तो वैसे भी दूसरों का दिल जीत लेती है। एक सच्ची मुस्कुराहट और एक अच्छी मुस्कुराहट रखें, उससे आप पूरे माशरे का दिल जीत सकते हैं। अब अच्छी ग्रूमिंग जो है उनकी क्या अलामत हैं? अच्छा बोलचाल, अच्छा ज़ाहरी लिबास, साफ सुथरा हुलिया, अपने पीयर ग्रुप्स में यानी कि अपने हम उम्रों में एक्सेप्ट होना, बड़ों में भी छोटों में भी सच्चाई का जो है ज़बान बोलना, सच्चाई का बोल अमर करना। उसके अलावा आपकी शख्सियत ऐसे उभर कर सामने आए कि जब लोग आपसे बात करें या आपकी तरफ देखें तो उन्हें आपके अंदर एक रहनुमा और एक मोहसिन नज़र आए। आपके अंदर ऐसी लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए कि लोग अपनी परेशानी और अपने मसाइल आपके साथ डिस्कस करने से गुरेज ना करें, आपके इर्द गिर्द होने से कतराएं मत। जहां आप काम करते हैं वहां आप पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करें। मैं जानता हूं कि कभी कभी हमसे ये नहीं हो पाता, लेकिन हम परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम परफेक्शन की जुस्तजू कर सकते हैं। और जब हम दुआ करते हैं तो दुआओं का भी यही मकसद होता है कि हमें ऐसा बना दिया जाए कि हम अल्लाह ताला की नज़र में पसंदीदा हो जाएं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अपनी शख्सियत को, अपने आप को खुश अखलाक बनाएं, खुश रवैया बनाएं कि लोग हमारे इर्द गिर्द होने को पसंद करें। अब मैं वो बातें करूंगा जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं। पब्लिक में यानी कि लोगों के दरमियान हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, बिहेवियर। जब हम पब्लिक में होते हैं तो हमें थूक फेंकने से, पान की पीत फेंकने से, सड़कों पर, पार्कों में और इर्द गिर्द की नेबरहुड स्ट्रीट्स पर कचरा फैलाने से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। ये करना ही नहीं चाहिए, ये वतन हमारा है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। और ऊंची आवाज़ में झगड़ा करना भी ये पब्लिक न्यूसेंस के ज़ुमरे में आता है, इसे भी प्लीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए और इससे गुरेज करना चाहिए। ट्रैफिक के कवानीन और तमाम दीगर सिविक कवानीन को मद्देनज़र रख कर चलना चाहिए हमेशा। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ एक माहौल दोस्ताना फैलाना चाहिए, अपने इदारे के लिए हमारे दिल में इज्जत होनी चाहिए। जब हम कहीं बाहर खाना खाने जाएं, किसी होटल या रेस्टोरेंट में, तो हम अच्छे टेबल मैनर्स का मुजाहरा करें। हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव कैसे होगा? जब हम खड़े हों तो हम अटेंटिवली और स्ट्रेट खड़े हों। इसका मैंने काफ़ी डिटेल में इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशंस में और गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में डिटेल में काफ़ी डिस्कस किया हुआ है इसी इजी कोचिंग के चैनल की वीडियोस के अंदर। मेरी कुछ पास वीडियोस हैं, अगर आप वो देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेंटर ऑफ बॉडी हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। जब आप चलें
तो इस तरह चलें कि किसी दूसरे को आपके चलने से कोई नुकसान न पहुंचे। हमेशा लिहाज, अदब और खुश इखलाकी जब आप लोगों के दरमियान बैठे हों ये नज़र आनी चाहिए। और जब आप लोगों को मिलने जुलने यानी कि दोस्तों के साथ, अहबाबों के साथ जब खाना खाने बाहर जाते हैं तो रिलैक्स रहें और लोगों के साथ शमूलियत का मुजाहरा करें। यह तो कोई बात ना हुई कि जब आप कहीं किसी के साथ किसी सोशल जगह पे जाएं तो मुंह चढ़ा के बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को आपकी मौजूदगी में खुश होना चाहिए। तो दोस्तों, बात तो मुख्तसर सी थी। सोशल ग्रेस जो है इसको अदब व लिहाज के साथ अडॉप्ट करना यानी कि अपना लेना जो है ये इतना मुश्किल नहीं और बिल्कुल नामुमकिन नहीं। ये वो बातें हैं जो हम हमेशा से सुनते रहे हैं और इनको अमल में लाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कॉन्शियसली जो है यानी कि वाज़ह तौर पर इसकी आदत डालने की ज़रूरत है। आई होप कि मेरी बातों से किसी की दिल आज़ारी ना हुई हो। इन बातों को करने का मकसद एक अच्छा पैगाम फैलाना था, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के लिए मैं यानी कि आपका दोस्त प्रोफ ज़ैक हमेशा से आपकी बात सुनने के लिए मैं बिल्कुल मुंतज़र रहूँगा। मेरा ईमेल आईडी है EZEECoaching@gmail.com। मेरा व्हाट्सएप आईडी है +92 यानी कि 03214541716। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको दीगर तालीमी मालूमात और बहुत सी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिसमें एजुकेशन और नॉलेज रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अपने दोस्त और होस्ट प्रोफ ज़ैक को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड आई विश एवरीवन अ हैप्पी रमजान।